देश को 6 और कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव के मुताबिक रेलवे ने हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए 6 सेक्शन चिन्हित किए हैं, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1 साल में तैयार हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर पहले से ही निर्माण कार्य चल रहा है। हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर गाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चल सकती हैं। आम बजट से पहले यादव ने कहा कि 6 कॉरिडोरों में 865 किलोमीटर लंबा दिल्ली नोएडा आगरा लखनऊ वाराणसी कॉरिडोर और 886 किलोमीटर लंबाई वाला दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद कॉरिडोर शामिल है। दूसरे कॉरिडोर में 753 किलोमीटर लंबाई वाला मुंबई नासिक नागपुर कॉरिडोर, 711 किलोमीटर लंबाई वाला मुंबई पुणे हैदराबाद कॉरिडोर, 435 किलोमीटर लंबाई वाला चेन्नई बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर और 459 किलोमीटर लंबाई वाला दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर कॉरिडोर शामिल है। इंडियन रेलवे ने इन 6 कॉरिडोर को चिन्हित किया है और उनकी डीपीआर साल भर में तैयार हो जाएगी। डीपीआर में इन मार्गों की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें भूमि की उपलब्धता और वहां यातायात की क्षमता आदि शामिल है। इन सब के अध्ययन के बाद रेलवे ये डिसाइड करेगा कि इनको हाई स्पीड करना है या सेमी हाई स्पीड। देश के पहले हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद पर भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का 90% काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा।